लोकसभा सीट के लिए मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और महज दो दिनों में मतदाता इस मुकाबले का फैसला करेंगे। 7 मई को होने वाले मतदान में कौन बाजी मारेगी, यह तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। पर बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग और उनके ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रमोद गर्ग के बीच का विवाद चुनाव से पहले ही तूल पकड़ता जा रहा है। रमेश गर्ग ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें बसपा ने इस बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। रमेश गर्ग ने व्यवसायी होने के साथ साथ अपने अग्रवाल समाज के लिए हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, पर जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले उनके द्वारा उनके समाज की अधिकृत संस्था के लेटर हेड पर उन्होंने धमकी भरा पत्र प्रमोद गर्ग के लिए लिखा और उसे सार्वजनिक किया, उसे लेकर अब प्रमोद गर्ग ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसमें 3 दिवस के अंदर उस लेटर में कही गई बातों का खंडन करने की बात कही गई है, अन्यथा इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात भी नोटिस में लिखी गई है। मुरैना लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बाद जब बसपा का टिकट रमेश गर्ग का फाइनल हुआ तो यह मुकाबला त्रिकोणी हो गया। हालांकि रमेश गर्ग सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और पहले जहां भाजपा फिर उसके बाद कांग्रेस और अब बसपा से उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, पर उनके द्वारा जिस तरीके से बाकायदा अग्रवाल महासभा जैसी रजिस्टर्ड संस्था के लेटर पैड पर प्रमोद घर के बारे में धमकी भरे लहजे में लिखा है, उससे उनके समाज के लोगों में ही विरोध उत्पन्न हो गया है। रमेश गर्ग पर बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही केवल समाज के लिए काम करने का आरोप लग रही है, ऐसे में प्रमोद गर्ग के साथ उनकी यह लड़ाई चुनाव में उनको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लोकसभा चुनाव में सर्व समाज और धर्म के लोगों का वोट अगर प्रत्याशी को मिलता है तो उसकी जीत की राह आसान होती है, पर बसपा प्रत्याशी के ऊपर केवल एक समाज के लिए काम करने का ठप्पा लगा हुआ है, उससे उनके लिए जीत की राह मुश्किल नजर आ रही है।